तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका माउंटेन फैमिली में। तो आज फैमिली तो नहीं है मेरे साथ, और एक भाई है, उनको मैं मिलाऊंगा, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। बट जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही कूल चीज़ करने वाले हैं। जी हाँ, आपको मैंने अनार की हार्वेस्टिंग दिखा दी, सेब की नहीं दिखा पाया इस बार, वो अगली बार दिखाऊंगा। बिकॉज इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे जितने भी बगीचे के सेब थे वो चोरी कर दिए गए थे मनाली में, तो जिसके कारण मैं आपको हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पाया एप्पल की। बट फिर भी अगर टाइम लगा तो मैं एप्पल की हार्वेस्टिंग ज़रूर दिखाऊंगा आपको इन फ्यूचर। और बट आज जो हार्वेस्ट करने आए हम, बहुत ही प्योर और बहुत महंगी चीज़ जिसे कहा जाता है हिमालयन शहद। तो आज मैं आपको हिमालयन हनी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपका जो अंदर से मनोबल होना वो तगड़ा होना चाहिए। काफ़ी लोग डरते भी हैं और डंक से कईयों को बुखार भी आता है, तो मैं ये काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। तो प्लीज़ डोंट ट्राई एट होम और एट जंगल, क्योंकि जंगल वाली ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जो मेरे यहाँ पे पुराने घर में, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, तो यहीं पर ही है, इनकी बहुत बड़ी बाम्बी है जिसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। तो जो सबसे नेचुरल पुरानी है सबसे, वो तो हम छेड़ेंगे नहीं, बट जो अभी नई वाली है उसको ट्राई करूंगा मैं निकालने की और देखूंगा। बिकॉज जितनी भी आपकी बीज हैं तो वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेती हैं शहद एज़ कम्पेयर टू जितना खाना होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हम रख देंगे उनको, जितना उनको खाना है, मीन्स हाफ उनके लिए रख देंगे, हाफ निकाल लेंगे। तो एक दो और बाम्बियाँ हैं जो मुझे निकालनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो फेस को कवर करेगा ये बी नेट, तो यहाँ से हम मुंडी डालेंगे अंदर और यहाँ से निकालेंगे, और समझते हो इसके अंदर सेफ हो जाएगी अपनी। सर चलते हैं सीधा उस बाम्बी की ओर और देखते हैं कि कितना ज़्यादा शहद रखा है उन्होंने हमारे लिए। तो चलो यार सीधा चलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ, अपने आप को पैक कर लूँ, एक और पैक हो जाऊँ, उसके बाद काम होगा स्टार्ट। भाइयों हम हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी हार्वेस्ट करने के लिए, और सबसे ज़रूरी आपके पास धुआं करने के लिए भी चाहिए। तो हमने पुरानी चीज़ है जिसके साथ जुगाड़ करेंगे हम धुएं का, क्योंकि धुआं बहुत ज़रूरी है, धुआं होगा तभी वो उड़ेंगे। हरिओम प्रभु, जय श्री राम। कौन थोड़ा और धुआं बाहर रखूँ तो फ्रेंड्स, आने वाली क्लिप में जरूर हंसना, बिकॉज यहाँ पे मुझे दो दो मधुमक्खी डंक मारने वाली है, और देखना हीरो बनने का नतीजा क्या होता है। भाई काट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, खा भी सकते हैं। एक ने तो मेरे यहाँ खा लिया भाई, कसम से बहुत जोर का खाया। इस टाइम पूरे गुस्से में आ, तो इस टाइम जितने भी जाने मैंने गुस्से में, दो ने मुझे खाया, तीसरी मत खाना। और लुक एट द ब्यूटीफुल मक्खी,
अबे क्या फायदा है, मार्केट का फायदा ना, तेरे घर भी मिल जाएगा। अब देख यार मार दिए तो नहीं बचना, ये खा लेंगे। काम हो चुका है कंप्लीट, हमने कर लिया है बढ़िया सा हार्वेस्टिंग हनी। सबसे पहले याद रखना रानी को पहचानना है, तो रानी मैंने स्टार्टिंग में ही नीचे फेंक दी थी, मीन जो इसका पूरा बॉक्स है उसके नीचे फेंक दी थी, तो रानी आराम से चली गई थी। यहाँ तो मैंने रखा है आधे से ज्यादा ही रखा, उसके लिए वैसे इतना जरूरत नहीं होता रखने की। तो फ्रेंड्स जरूर बताना यार कैसी लगी आज की वीडियो, और अभी तो बस मास्क खोलने का है, सब कुछ खोलने का, बहुत गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स इसी के साथ अपना काम हो चुका है कंप्लीट। तो मैं पहले बता दूं मैं कोई प्रोफेशनल बी कीपर नहीं हूं, बस बचपन में देखा था अपने दादाजी वगैरह को खोलते हुए, उनके साथ ही खोलता था। हनी हार्वेस्टिंग तो आपने देख ली, बट उसके बाद क्या? तो यहाँ पे बता दूं दो चीज़ें होती हैं, आइदर आप उसको वैसे ही रख सकते हैं, बट वैसे रखने मतलब रॉ भी रख सकते हैं, वो बहुत ही उसके यू नो बेनिफिट्स होते हैं मेडिसिनल, और उसको आप प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रोसेस कर देते हो तो उसका जो बोलते हैं ना गुणवत्ता, वो 100% नहीं रहती, बिकॉज जब आप उसको उबालते हैं थोड़ी सी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। बट ट्राई करें जब भी आपको ऐसे ऐसे काम करते हो तो थोड़ा सा लगभग एक तिहाई पार्ट, 1/3 पार्ट आप ऐसे ही रखें डब्बे में, ताकि वो फ्यूचर में मेडिसिनल तौर पे यूज़ हो सके, तो बहुत बेनिफिट होता है इसका। तो प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उबालना होता है, जिसके कारण बैक्स और वो पिघल जाता है, और बाद में बैक्स अलग हो जाता है, जो उसके छत्ते का बनता है ना वो वैक्स का बनता है, तो वो अलग हो जाता है और प्योर हनी अलग रह जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है वो आफ्टर प्रोसेसिंग, तो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ देखो आप, ये है प्योर हनी, तो ये जो है ये है वैक्स, तो इसको हम निकाल देंगे बाद में साइड बिल्कुल ये वाला, बट जो प्योर हनी है वो ये है, ये देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो ये हनी है आपको वैसे बाज़ार में भी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, बट वो कितना प्योर होता है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि तो चीनियाँ खिला के मधुमक्खियों से ये हनी निकालते हैं, वो आपको भी पता है काफ़ी लोगों को। तो हमारे कुल्लू में भी बहुत हनी बीज होती थी, बट वही ना आजकल जो हम पेस्टिसाइड वगैरह करते हैं उसके कारण बहुत मरती हैं। मेरे पास जो छत्ता था उसके नज़दीक लगभग 10-10 मीटर में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करता था, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं करता था। मेरा बगीचा भी है वहाँ पे अनार का, तो नहीं करता था, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी उनके पास पेस्टिसाइड चल जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अदरवाइज़ पहले और अब में बहुत फ़र्क हो गया, पहले बोलूँ तो ऐसे घरों में पता नहीं कितने छत्ते मिलते थे, बट अब बहुत कम है। तो हमें नेचर को बचाना है, ट्राई करें कि कम से कम दवाइयाँ यूज़ करें और इन हनी बीज को बचाएँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनी बीज रहेंगी तो ही हम रहेंगे। फ्रेंड्स ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो माउंटेन फैमिली को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो भूलना मत। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।